अच्छा, ये अनफॉर्चुनेटली हमारा अलमिया है कि दुनिया में किसी भी मुल्क को हम उठा के देखें तो वहाँ एजुकेशन की जो है वो प्राइम प्रायोरिटी होती है, और अनफॉर्चुनेटली हमें ये नज़र आता है कि जैसे एजुकेशन हमारी को लीस्ट प्रायोरिटी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू करियर कैंप। आई एम योर होस्ट विनेश आरजू, और आज हम डॉक्टर फारूक काबिद से बात कर रहे हैं। इनका एजुकेशन में मोर देन 15 ईयर्स एक्सपीरियंस है, और माशाल्लाह ये एज अ प्रिंसिपल इधर सुपीरियर कॉलेज मीडिया रोड लाहौर में फाइज हैं 2 साल से। और इनसे आज हम जो बात करेंगे, एजुकेशन सिस्टम पे बात करेंगे, इनके अपने एक्सपीरियंसेस पे बात करेंगे, और जो बच्चों के ओवरऑल एजुकेशन पे जो स्टेप्स आते हैं और वो किस तरह एक पर्टिकुलर करियर की तरफ जाते हैं, या जो आजकल डिमांड्स हैं हमारे दुनिया की ओवरऑल ग्लोबली, हम उस पर बात करेंगे। तो इन पॉइंट्स पे हम इनसे बात करना शुरू करते हैं। तो लेट्स वेलकम हैम। अस्सलाम वालेकुम सर जी। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम यहीं से आपकी बात शुरू करेंगे कि आप पहले अपना एक्सपीरियंस बताएं, किस तरह से आप इस पर्टिकुलर फील्ड में आए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का हमारे ज़माने में और आपके ज़माने में तो कोई काउंसलिंग नहीं होती थी, कोई अवेयरनेस नहीं होती थी, तो यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? जी, जैसे मेरा इंट्रोडक्शन आपने जो करवा दिया, बेसिकली मैं PhD डॉक्टर हूँ जी जी, और मैं सारी उम्र जो है ना वो साइंस का तालिब इल्म रहा, स्टिल जो है ना वही काम जो है चल रहा है साइंस की दर्स का जी जी। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जो हमारा टाइम था उसमें कैरियर काउंसलिंग का तो कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उसमें यही था कि जो आपको काउंसलिंग स्कूल से मिलती थी या आपके जो साथ करते थे तो उसी को ही आप जो है ना वो फॉलो करते थे, और वहीं से फिर आपका करियर पाथ जो शुरू होता था। तो मैंने भी, जैसे हमारा एक पुराना माइंड सेट है पेरेंट्स का कि बच्चे को मेडिकल की फील्ड में लेकर जाना है, तो उसी तरह से मैंने जो है ना वो मैटर किया अच्छे मार्क्स के साथ। फिर मैंने FSC की मेडिकल के साथ, और फिर मैंने जब ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद फिर मेरा अपना चूँकि साइंस में कुछ इंटरेस्ट था, मास्टर्स किया मैंने, और उसके बाद फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता मुझे गाइडेंस रही टीचर्स की, तो फिर मैंने PhD की, और PhD के बाद फिर मैं ये जो शोभा दर्शो तदरीस का है इसके साथ मुंसलिक हुआ। उसमें मैं आपको बताऊँ, मैंने अपना जो करियर है वो बाकायदा स्टार्ट किया दर्शो तदरीस का कॉलेज से, आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मुल्तान जी, तो वहाँ बड़ा अरसा जो है ना वो मैंने पढ़ाया, मैंने जब एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके बाद कुछ अरसा जो है ना मुझे कैडेट कॉलेज में काम करने का मौका मिला, वहाँ मैंने डायरेक्टर डांस के तौर पर काम किया, उसके बाद जो है ना वो सुपीरियर ग्रुप के साथ जो है वो मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, तो भी अलहमदिल्ला जी सुपीरियर कॉलेज को जो मैं रन कर रहा हूँ, तो राउंड अबाउट कोई 15 साल से मेरा जो तजर्बा है वो दर्शो तदरीस का। सही हो गया। तो इस 15 साल के तजर्बे में आप क्या कहेंगे कि कोई एक ऐसी चीज़ आपको उसने सिखाई हो कि जो आपको पहले उस चीज़ का एहसास नहीं था कि ये एजुकेशन सिस्टम इस तरह से चलता है, या इसको क्या तब्दील कैसे होना चाहिए? देखिए, जो हमारा जो निज़ाम तालीम है ना, अगर हम पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करें तो इसमें तो बहुत सारी हमें तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है, बहुत सारी इसमें हमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी स्पेशली कोविड के बाद सिनेरियो बहुत तब्दील हो गया, मतलब सारी दुनिया जो है ना वो उसने देख लिया कि ऐसे प्रोफेशंस भी हैं जो आप घर बैठ के कर सकते हैं, आधी दुनिया जो है ना वो वर्क फ्रॉम होम पे चलेगी, जितने आपके शोभा जाते हैं वो सारे लिंक होते जा रहे हैं आपकी IT के साथ। तो जो तब्दीली अब आई और जो हमारे दौर से हम देखते हैं वो ये एक बहुत बड़ी चेंज है, यानी कि दुनिया इंटायर तब्दील हो गई। हमें जो हमारे बच्चे हैं उनको इस तरफ लेकर आना चाहिए, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी मेरी ये जो है वो रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है कि अपने बच्चे की जहन साजी करें, उसको जदोपोदने करें कि जनाब आपने डॉक्टर बनना है और आपने इंजीनियर बनना है। हाँ, अगर आपका बच्चा जो है वो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है तो वो ज़रूर जाए उसमें, लेकिन अगर नहीं चाहता तो फिर आप उसका रुझान देखें और उससे मुतलका फील्ड में उसको लेकर जाएं। अब वो फील्ड कोई भी हो सकती है, देखिए कोई भी काम जब बच्चा अपने शौक के साथ अपने पैशन के साथ करेगा तो उसमें एक्सेल करेगा, अगर आप उसको ज़बरदस्ती लेकर जाएंगे तो वो नहीं करेगा। तो अभी दुनिया तब्दील हो चुकी है, हमें अपना माइंड सेटअप जो है वो तब्दील करने की ज़रूरत है, और हमें बच्चों को
आईटी के जो शोभा जाते हैं, आईटी की अगर हम बात करें तो आईटी कोई एक फील्ड नहीं, आईटी एक दुनिया है। उस दुनिया के अंदर जो है वो बहुत सारे फील्ड्स है, तो कोई भी फील्ड बच्चा अडॉप्ट करे, उसके अंदर एक्सेल करे, सीखे, तो ये है कि आने वाली जो जनरेशन है वो हमारी बेरोजगार नहीं होगी। हमारा जो पुराना माइंड सेटअप है, जो हमारे पुराने शोभा जाते हैं, अगर हम उन्हें देखें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सेचुरेट हो चुकी हैं, जॉब्स अवेलेबल नहीं है। हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी से फारग होते हैं और उसके बाद वो ढूंढते हैं जॉब्स के लिए, तो हमें उनको आईटी प्रोफेशनल्स जो बनाने की ज़रूरत है ताकि वो अपना करियर जो स्टार्ट करें और एक अच्छे जो है वो शहरी जो बन सके, एक मुफीद शहरी बन सके। तो अगर आप मुझे बताएं, अगर किसी बच्चे को इस तरह की मतलब इस तरह की चीज़ का शौक़ है, जैसे कि आपके लिए कि वो क्राफ्ट का काम करता है या फिर वो एग्रीकल्चर में जैसे हमारी भी गुफ्तगू हुई थी वहाँ जाना चाहता है, या फिर कोई बच्चे को कुकिंग का शौक़ है, तो वो अपने आप को आईटी से किस तरह लिंक कर सकता है कि वो उसका फ़ायदा भी हासिल कर ले और अपना शौक़ जो है उसको भी आगे जो है कंटिन्यू करें। देखिए, एक तो बात ये है कि इस वक्त जितने भी शोभा जात हैं वो सारे आईटी से मुंसलिक हो चुके हैं। जैसे अभी हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे तो एग्रीकल्चर आईटी के साथ मिलकर अब स्मार्ट फार्मिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। अब अगर आप पुराने ही तरीके से जो है वो अगर करते हैं काश्तकारी, तो फिर आप दुनिया से बहुत पीछे रह जाते हैं। लाइक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था कि हमारा मुल्क भी बड़ा गंदम पैदा करने वाला मुल्क है, और वो एक तो किसान था, आई थिंक वो ऑस्ट्रेलिया का था शायद, उसने एक एकड़ से 150 मन गंदम जो है वो लिया। हमारे यहाँ टारगेट होता है कि एक एकड़ से 50 मन गंदम निकला तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जो बुनियादी पैरामीटर्स हैं एग्रीकल्चर में हम वही खड़े हैं, हमने जो मॉडर्न वेज है उनको अपनाए हुए हैं। तो एग्रीकल्चर की स्टडी के साथ साथ हमें अब इन पैरामीटर्स को फुलफिल करना होगा, तभी हम जो मीट कर सकते हैं, तभी हम जो है ना वो यहाँ इतनी खुराक पैदा कर सकते हैं कि हम उसमें कुछ कुछ लेंगे। तो हमारे जो भी प्रोफेशन, हम जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहेंगे वो कहीं ना कहीं आईटी से जरूर लिंक कर गया है। तो बग़ैर कंप्यूटर की तालीम के, बग़ैर आईटी में आए आपका कोई शुबा तरक्की नहीं कर सकता। लाइक मैं एक और छोटी सी मिसाल देता हूँ, हमारे दौर में ये होता था कि अगर हमने रेलवे से सफ़र करना है तो हम क्या करते थे, हम जो है वो रेलवे स्टेशन जाते थे, बुकिंग क्लर्क से मिलते थे, अपनी सीट रिजर्व करवाते थे, उसके बाद जब वो टाइम आता था वहाँ पहुँचते थे, चार लोगों से मिलते थे, कुल्ली हमें लेके जाता था, फिर हम जाके अपनी हमें सीट मिलती थी और फिर हमारा जो है वो सफ़र होता था। अब आप क्या करें कि रेलवे की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहीं बैठ के अपनी सीट रिजर्व करवाएँ, अपनी जो कोच है वो देखें, ऑनलाइन आप पेमेंट करें और जिस दिन आपने जाना है जाके अपनी सीट पर बैठ जाए। बीच में जो 20 लोग थे वो सारे निकल गए, उनकी जगह कौन बैठ गया? उनकी जगह एक आईटी प्रोफेशनल बैठ गया। सो हर शोभा, जैसे मैंने ज़राअत की बात की, अब मैंने रेलवे की बात की, आप अपने कोई फैक्ट्री देख लें, कोई इंडस्ट्री देख लें, कोई बैंक देख लें, इवन कि आप जो बेसिक साइंस है उसके भी जितने शोभा जाते हैं वो सारे आईटी के साथ हैं। तो अब आपको अपनी डायरेक्शन तब्दील करने की ज़रूरत है, इस तरफ आने की ज़रूरत है। और जो अच्छी बात है वो ये है कि जब आप इस तरफ आएंगे तो ये हमारी सोसाइटी में जो डिप्रेशन की फ़िज़ा है वो बेसिकली इसीलिए ना कि बहुत सारे यंग लोग जो है वो बेरोज़गार हैं। अगर बेरोज़गार नहीं है तो कम अज़ कम उस लेवल की जॉब नहीं है जो वो डिज़र्व करते हैं वो करने हैं। तो ये चीज़ें भी माशरे में एक बड़ा बिगाड़ का बायस बनती हैं। जब आपकी जनरेशन प्रॉपर जो है वो अपनी जगह पर होगी, काम कर रही होगी, तो आपका जो मुआशरा है वो भी खुशहाल होगा, मुल्क जो है वो भी खुशहाल होगा। सही। अच्छा, एक और चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि हम यहाँ पे ठीक है सारी फील्ड्स भी हैं, करियर्स भी हैं, बच्चों को हम काउंसलिंग देने की कोशिश भी कर रहे हैं, मतलब अगर पिछले ज़माने से कंपेयर किया जाए तो फिर तो अब बहुत सी सहूलियात आ गई हैं। बच्चों में ऐसी कौन सी चीज़ें कि जो आपको लगता है उनको अपना रवैया इस तरीके से बदलने की ज़रूरत है अगर वो जदीद दौर का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं, तो बच्चों को किस जो हैं क्वालिटीज़ की ज़रूरत है? सबसे तो बुनियादी बात ये है कि बच्चों को आपने प्रॉपर डायरेक्शन दी। जो लोग डायरेक्शन देने वाले हैं उनको सारे पाथ उनको क्लियर होने चाहिए। जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे, मैं इसमें समझता हूँ कि जो बड़ा फॉल्ट है वो हमारे एजुकेशनिस्ट का है। वो अच्छा, उनका फॉल्ट भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो भी अवेयर नहीं है।
मतलब हमारे जो एजुकेशन सेक्टर के लोग हैं वो अपने शोबे से रिलेटेड ज़रूर आगाही देते हैं, जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं उनको भी रिफ्रेश कोर्सेज नहीं करवाने देते, उनको भी जो चीज़ें जो दुनिया में जिदत आ रही है उसके बारे में आगाही नहीं दी जाती। तो जब वो खुद आगाह नहीं होंगे तो वो ज़ाहिर है कि आने वाली जनरेशन कैसे आगाह करेंगे। तो नई नस्ल को सबसे पहले तो ये है कि आगाही देने के लिए जो आगाही देने वाले लोग हैं उनका खुद जो है वो इस क्षेत्र में एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। जो हमारी जो जनरेशन है, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है ये यंग जनरेशन में बड़े डल है, मतलब मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर स्कूल्स के अंदर जो मैंने देखा कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उसमें बड़े बड़े शाइनिंग बच्चे हैं। अच्छा, ये हमारी हिस्ट्री शुरू से है। अगर हम अभी भी देखें ना तो आपको जितने भी बड़े हाइप्स मिलते हैं ना बैठे हुए बड़ी पोजीशंस के ऊपर बड़ी सीट्स के ऊपर, तो ये वही बच्चे जो टाट पर बैठ के पड़े हैं और आज वो इतनी बड़ी पोजीशंस जो है वो वहाँ पर सर्व कर रहे हैं। तो हमारी जो जनरेशन है वो डल बिल्कुल नहीं है, बड़े उनके पास आइडियाज़ हैं, बड़ी क्रिएटिव कौम है हमारी, सिर्फ एक प्रॉपर डायरेक्शन की ज़रूरत है। और प्रॉपर डायरेक्शन आप उस वक्त दे सकते हैं जब आप खुद हर चीज़ के साथ अवेयर होंगे, आप खुद एक्सपर्ट होंगे। तो इस चैनल की तवज्जो से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बड़ी एक खिदमत है कि आप लोग प्रोफेशनल्स के पास जाएं, उनसे बातचीत करें, उसको रिकॉर्ड करें और उसको अपने चैनल के थ्रू ये पैगाम जब दूसरे तक पहुँचाएँ, क्योंकि अब अवेयरनेस का ये एक बड़ा मौसर जगह चल रहा है। वरना अवेयरनेस के बहुत सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, अभी तो स्पेशली यूट्यूब चैनल्स के थ्रू जो है वो हर चीज़ की आगाही मिल जाती है। हाँ, बड़ों को ये चाहिए कि वो बच्चों का जो टाइम मतलब एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ जो है वो इसको यूज़ ना किया जाए, यहाँ से आपको बड़ी जो है वो मुफीद मालूमात जो है वो मिल सकती है। दुरुस्त, थैंक यू सो मच, आपने अप्रिसिएशन की, यही हौसला अफजाई है कि जो हमें अभी भी कर रहे हैं पुश के, नहीं करते रहें। मैं आपसे, आपने अभी इतनी अच्छी बात की है और ये मैं अक्सर जिक्र भी करती हूँ अपनी वीडियोस में कि जो बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, हम बहुत देखते हैं कि वो टीचर्स इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं और उसकी वजह ये है कि उनको एक तो पे भी अच्छा नहीं किया जा रहा। जब भी कोई एक अच्छा बंदा है अपनी जो फील्ड में एक्सेल करता है तो ऑब्वियसली उसकी एक स्पेसिफिक डिमांड होती है, ठीक है, अगर आप उनको वो रिक्वायरमेंट्स नहीं उनकी फिल करोगे तो वो आपका काम नहीं करेंगे, तो फिर आपको उसके लिए सेटल करना पड़ता है कि जो उससे कम हो, ठीक है। इस चीज़ को एक तो आप मुझे ये बताएं कि हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं कि हम बजाय के 10 बहुत अच्छे टीचर्स हों, हमारी 6-7 की टीम हो और उनको हम अच्छा पे करें ताकि क्वालिटी ऑफ मेंटर्स, जो क्वालिटी ऑफ टीचर हैं हमारे, वो बेहतर हो जाए। दूसरा मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये जो चीज़ है कि हम टीचर्स को भी उस तरह ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पे क्यों नहीं देते? बहुत अच्छे जो स्कूल्स हैं या जो कुछ हमारे जिनके पास फंडिंग ज़्यादा होती है वो ज़रूर ऐसे करते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे जैसे आपने भी कहा है कि टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं होती है, तो ये दो चीज़ें जो हैं इसको कैसे ख़त्म किया जाए? अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे अभी आपने ट्रेनिंग की बात की स्पेशली, और दूसरा आपने ये कहा कि लो पेड जो है ये प्रोफेशन है। जी हाँ, ये बात ठीक है। एक्चुअली एजुकेशन का जो प्रोफेशन है ये तो एक बड़ा मुकद्दस पेशा है और पैगंबरों का पेशा जो है उसको कहा जाता है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आप एक उस्ताद को कभी भी उसका जो है ना वो मुआवजा दे नहीं सकते, मतलब पैसों की फॉर्म में भी नहीं दे सकते और दूसरी भी किसी फॉर्म में नहीं दे सकते। अच्छा, ये अनफॉर्चुनेटली हमारा अलमिया है कि दुनिया में किसी भी मुल्क को हम उठा के देखें तो वहाँ एजुकेशन की जो है ना प्राइम प्रायोरिटी होती है, और अनफॉर्चुनेटली हमें ये नज़र आता है कि जैसे एजुकेशन हमारी कोई लीस्ट प्रायोरिटी है। तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, छोटे छोटे स्कूल हमारे जिसको हम गली मोहल्लों के स्कूल्स भी कहते हैं, तो उसमें एक तो टीचर्स जो है ना वो हायर किए जाते हैं बगैर किसी ट्रेनिंग के। जो भी आप किसी भी जब शोबे में जाते हैं तो सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग होती है, फिर आप उस फील्ड में आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह सिलसिला नहीं है। हमारे यहाँ जो छोटे लेवल के प्राइवेट स्कूल्स हैं वो जैसे ही एक लड़का कॉलेज से यूनिवर्सिटी से निकलता है टीचिंग के लिए अप्लाई करता है तो उसको हायर कर लेते हैं, तो वो ठीक है, उसके पास डिग्री तो मौजूद है, उसके पास जो है वो ट्रेनिंग नहीं है उसकी। बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आप यूनिवर्सिटी से निकले और टीचिंग शुरू कर दें, उसके लिए आपको टीचिंग का लाइसेंस लेना पड़ता है, फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, फिर आप उस फील्ड में जाते हैं और फिर आप जाते हैं तो फिर आप स्पेशलिस्ट होते हैं। हमारे यहाँ एक तो इस चीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है, और डेफिनेटली इसमें गवर्नमेंट जब इन्वॉल्व होगी तो किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में इसको इस तरह से नहीं किया जा सकता।
प्राइवेट सेक्टर में सैलरीज में है वो भी बहुत कम है। हाँ, इसको भी जो है ना वो कोई सरकारी सतह पे इस तरह की पॉलिसी जो है वो बनाने की ज़रूरत है कि टीचर को कम से कम इतना जो है वो पे किया जाए कि उसका फिर जो है ना मतलब अगर उसकी रिक्वायरमेंट 3 रोटियां हैं तो कम से कम उसको 3 रोटियां मिले। जब उसको 3 रोटियां मिलेंगी तो फिर वो दिल जमी के साथ जो है वो अपना काम करेगा। अगर उसकी रिक्वायरमेंट 3 रोटियां हैं, आप उसको दे रहे हैं 1.5 रोटी, तो दैट मीन्स कि बाकी जो उसकी दबोदौ कश्मकश होगी वो 1.5 रोटी की तरफ होगी, तो अपना काम जो है वो नहीं कर सकेगा। दूसरा, ट्रेनिंग्स की बात आपने की, तो जो अच्छे अदारे हैं ना वो तो डेफिनेटली टीचर को रिफ्रेश कोर्सेज भी करवाते हैं, उनको ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं। हाँ, जो थोड़े से दरमियाने दर्जे के अदारे हैं या उससे निचले लेवल के अदारे हैं, लाइक अब जैसे मैं तो सुपीरियर में बैठा हूँ तो हमें रिफ्रेश कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, टीचर्स को भी करवाए जाते हैं, प्रिंसिपल्स के भी कोर्सेज जो होते हैं, तो अच्छे अदारे तो इस तरफ जाते हैं और फिर उनके टीचर अवेयर होते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, उनके फील्ड में क्या हो रहा है। हाँ, ये जो छोटे स्कूल्स हैं वहाँ इस तरह की चीज़ नहीं है, और ये जो भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है या उनको जो भी देखने वाली कमेटियाँ हैं उनको डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। सही हो गया, ये बहुत अच्छी बात थी कि हमें इसमें इन्वेस्ट, जब भी हम किसी इदारे में हम गवर्नमेंट बेस पर गवर्नमेंट लेवल पर जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होती, चाहे वो टाइम की हो, चाहे वो फाइनेंसेस की हो, चाहे वो आपकी अपनी एफर्ट्स हो, जब तक हम वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हम कैसे कहेंगे कि भी वो डेवलप कर जाए, वो नशोनुमा कर जाए। पौधे को भी पानी देते हैं तो वो उगता है। दूसरी चीज़ मैं आपसे बच्चों का पूछूंगी कि आप जैसे कह रहे थे कि ये जो तालिबे इल्म की जो पहचान है कि वो उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, वो किस चीज़ में ज़्यादा बेहतर चलता है, किस में उसको मेहनत की ज़रूरत है, ये पहचानने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं, एक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो इसमें क्या रोल अदा कर सकता है। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि एक बच्चे को आप अर्ली स्कूल से ही जज करें कि उस बच्चे का रुझान क्या है, और फिर उससे रिलेटेड उसके प्रोफेशन की तरफ उसकी रहनुमाई की जाए ताकि वो फिर उसी ही रास्ते में जाए, क्योंकि उसमें फिर उसका इंटरेस्ट होगा और फिर उसको वो एक्सेल करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो यही है कि आपका जो स्कूल है उसमें जो उसातज़ा हैं वो इतने अवेयर होने चाहिए कि वो जज कर सकें, मतलब स्टूडेंट के बारे में हर चीज़ उनको क्लियर हो, स्टूडेंट को वो पढ़ सकें कि ये बच्चा मेडिकल के लिए फिट है, ये बच्चा इंजीनियरिंग के लिए फिट है, ये बच्चा जो है वो अच्छा मुसव्वर बन सकता है, ये अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है, ये अच्छा आईटी प्रोफेशनल बन सकता है। तो ये इंटरेस्ट बच्चे का पढ़ना, ये तो बेसिकली उस अदारे की ही जिम्मेदारी है। वो क्या अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस तरह से नहीं होता, हमारे यहाँ तो एक रवायती सा जो है वो निज़ाम तालीम है कि आप क्लास 1 में बच्चे को एडमिट कर देते हैं तो फिर वो मैट्रिक तक पढ़ता है और वही 2-3 चीज़ें पढ़ते हैं जो स्कूल में पढ़ाई जा रही है, लाइक स्कूल में पढ़ाई जा रही है मैट्रिक तक, या बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है, या कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जा रहा है, तीसरी कोई चीज़ उसमें है नहीं। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो और इसको जो है ना वो अपनी प्राइम प्रायोरिटी बनाया जाए, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जिन्होंने आगे चल के जो है मुल्क की बागडोर जो है संभालनी है। तो अगर इनको हमने प्रॉपर डायरेक्शन में ना डाला, जिस तरफ इनका रुझान है उस तरफ हमने उसको जज करके ना डाला और पुराने माइंड सेटअप पे चलते रहे कि सारे डॉक्टर बन जाएं, सारे इंजीनियर बन जाएं, तो फिर हम जो है ना वो बहुत पीछे रह जाएंगे, हमारे यहाँ फिर प्रोफेशनल्स जो है उनका फकदान होगा। ये बहुत दिलचस्प हमारी डिस्कशन हुई है कि टीचर्स की किस तरह से ट्रेनिंग होनी चाहिए एक एजुकेशनल सिस्टम में, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट लेवल पे हमें कौन से चेंजेस लाने की ज़रूरत है, बच्चों को किस तरह पहचाना जाए, उनको किस तरह से मोटिवेट किया जाए। तो थैंक यू सो मच सर, आपने जो बातें की है माशाल्लाह ये वही बातें हैं कि जिनकी हमें ज़रूरत है, और ये हम बार बार दोहराएंगे तो पता चलेगा कि इसकी कितनी अहमियत है। दोहराना एक चीज़ को बहुत ज़रूरी होता है अगर हम उसको अप्लाई करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, आई होप कि आपसे हमारा कनेक्शन जो है वो कायम रहेगा, और अगर किसी बच्चे को भी या किसी बड़े को किसी डायरेक्शन की ज़रूरत है, आपको सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें बताइएगा, हम सर से पूछेंगे और आपको ज़रूर उसका जवाब देंगे। तो आपने लाजमी ये वीडियो देखनी भी है और शेयर भी करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयर कर सकें वालिदैन को, टीचर्स को और तालिबे इल्म को, सबको कर सकें। लाइक करना नहीं भूलना, शेयर करना नहीं भूलना, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे, और हमारी ये जद्दोजहद जो है इसमें आपकी भी थोड़ी सी मेहनत शामिल हो। बहुत शुक्रिया, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बाय।